हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एस्पिरिन टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एस्पिरिन के बारे में सारी बातें कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, इसका डोज क्या रहेगा, साथ ही में इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, सारी बातें वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एस्पिरिन जो टेबलेट होती है, जो कि मार्केट में इकोस्पिरिन नाम से बहुत ही पॉपुलर है। इकोस्पिरिन नाम से शायद आपने कभी कभी देखी होगी, जो हार्ट से जुड़े मरीज होते हैं उन लोगों को ये प्रिस्क्राइब की जाती है। ये बेसिकली एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है, जो कि हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने से रोकती है। जो हार्ट के मरीज होते हैं उन लोगों में क्या होता है कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, और उस वजह से जो हमारी जो वेसल्स होती है, जो हमारी खून की नलियाँ होती है, उनमें कहीं पर अगर खून का थक्का जम जाए तो हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। तो उस वजह से डॉक्टर्स उसको एंटी प्लेटलेट मेडिसिन, जो खून को पतला करने वाली मेडिसिन होती है, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी जो एस्पिरिन होती है वो भी एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है, खून को पतला करती है। और इसके और भी कई सारे इसके जो यूजेस है, तो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, और उसके साथ में जो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है वो है एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी होती है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के तौर पर हम कौन सी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये माइग्रेन में, अगर हेडेक है तो, जो यहाँ तक कि हमें माइग्रेन है थोड़ा बहुत, तो उस केस में हम एस्पिरिन ले सकते हैं। बैकएक हो रहा है, या तो फिर दांतों में दर्द हो रहा है, या तो फिर हमारे जोड़ों में दर्द हो गया, हमारे मसल्स में पेन हो गया है, और डिसमेनोरिया में, जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है, उस दौरान में हम इस जो एस्पिरिन है वो जनरली हम ले सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप एस्पिरिन की जगह पर और कोई जो पेन किलर या तो फिर एनाल्जेसिक दवाई है वो प्रीफर करो, क्योंकि जनरली ये खून को पतला करती है। तो अगर आपको कोई और डिसऑर्डर है या तो फिर कोई और दिक्कत है, तो ये आपको और दिक्कत दे सकती है। तो बेटर है कि आप पैरासिटामोल या तो फिर कोई और NSAID पेन किलर दवाई, या डाइक्लोफेनाक एसिड, क्लोफेनाक या मेफेनामिक एसिड, ये सारी इन सभी में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ठीक है, डॉक्टर्स देखते हैं कि आपकी कंडीशन देखते हैं, डिजीज़ देखते हैं, सीवियरिटी देखते हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। उसको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये देने की ज़रूरत है तो ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप से कभी भी एस्पिरिन तो नहीं लेनी है। ये सारे पेन में दे सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लेनी है जॉइंट पेन में, या फिर मसल पेन में, दांत के दर्द में आपको कोई और पेन किलर दवाइयाँ ले सकते हो। अब बात करते हैं इसका डोज क्या रहेगा। तो इसका डोज है 0.3 to 0.6 ग्राम, वो कि आप दिन में, पूरे दिन में 300 से 600 मिलीग्राम हम ले सकते हैं पूरे दिन में, वो डिवाइडेड डोज में ही हम लेते जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली ये मार्केट में 75 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा, 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा। इकोस्प्रिन नाम से जनरली ये ज़्यादातर केस में ये फेमस है। अब हम बात करते हैं इसकी जो एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है उसमें कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जनरली ये फीवर को भी कम करती है, क्योंकि ये एक एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। साथ ही में जो हार्ट पेन है, एंजाइनल पेन है, जो हार्ट अटैक का पेन है, उसमें भी जो हार्ट अटैक के दर्द को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, और उसमें काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देता है। और इसका इसमें भी डोज है वो ऐसा ही रहेगा जैसे कि हमने एनाल्जेसिक में देखा था, 300 से लेकर 600 मिलीग्राम पर डे, 600 मिलीग्राम तक हम एक दिन में दे सकते हैं। जनरली डिवाइड डोज में दिया जाता है, और 75 मिलीग्राम या तो फिर 150 मिलीग्राम की टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है। और किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये जो स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, और एंजाइना के प्रिवेंशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये एंजाइना और स्ट्रोक क्या होता है, तो एंजाइना का मतलब होता है कि हार्ट अटैक से जुड़ा अगर हमें चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट से रिलेटेड हमें छाती में, सीने में दर्द हो रहा है, तो उस केस में डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि उसको एंजाइनल जो चेस्ट पेन हो रहा है वो ना हो। और तो और स्ट्रोक, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, जो मैंने पहले अभी समझाया कि जो ये दवाई है वो एक एंटी प्लेटलेट दवाई है,
तो ये क्या करती है, हमारे जो शरीर में खून का थक्का जमाने से रोकती है और हमारे खून को पतला रखती है, जिससे कि हमें स्ट्रोक ना हो जाए। और तो और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो ये एक्यूट रूमेटिक फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जोड़ों के दर्द होते हैं, रूमेटोइड आर्थराइटिस एक उसमें भी जॉइंट पेन ही होता है, लेकिन वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उनमें क्या होता है कि जो हमारी जो जॉइंट के बीच का जो कार्टिलेज होता है वो घिस चुका होता है और उस वजह से उसमें पेन हो रहा होता है। तो इसके यूजेस के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि किस कौन किन लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए और ध्यान रखने की ज़रूरत है ये लेने से पहले। तो अगर आप एस्पिरिन से या तो फिर कोई अदर NSAID ग्रुप की दवाई से हाइपर सेंसिटिव हो, अगर आपको NSAID दवाई से या एस्पिरिन से एलर्जी है तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लेने से अगर एलर्जी है तो आपको रेसेस वगैरह डेवलप हो सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। दूसरा है पेप्टिक अल्सर, अगर आपको पेप्टिक अल्सर है आपके जो पेट में या तो फिर स्टमक में छाले बने हुए हैं तो उस केस में एस्पिरिन नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से छाले हो सकते हैं। और तो और बच्चों में इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों को चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा है उन लोगों को भी ये नहीं इसका इस्तेमाल किया जा करना चाहिए। और जो लीवर डिजीज़ वाले, किडनी डिजीज़ वाले मरीज़ हैं उन लोगों को भी अपने आप से नहीं करना चाहिए। साथ ही में जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी अपने आप से तो एटलीस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है, लीवर से जुड़ी, किडनी से जुड़ी, डायबिटीज़ से जुड़ी, प्रेगनेंसी है या तो फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, इन सारी कंडीशंस में आपको पहले डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर्स बोलते हैं तभी आपको ये दवाई लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रिस्क्राइब नहीं करते, करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स देखेंगे कि अगर आपकी डिजीज कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, इसका बेनिफिट ज़्यादा है, या तो फिर अगर आपको ये नहीं देंगे तो जो डिजीज़ है वो कितना ज़्यादा और ख़तरनाक हो सकता है, उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको एस्पिरिन इन कंडीशन में भी दे सकते हैं। और क्रोनिक गाउट के केस में नहीं देना है, जो गठिया होता है उन केस में भी जो एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि ये लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। हर एक केस में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस रहना, यानी कि पेट में दर्द रहना, पेट का जो ऊपरी भाग होता है हमारा स्टमक वाला पार्ट उसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, और वहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो उसको हम एपिगैस्ट्रिक पेन बोल सकते हैं। ऐसा रहता है कि पेट भारी भारी रहता हो और उसमें दर्द हो रहा हो। साथ ही में जी मचलाना, उल्टी होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा रहना, अगर आपका बॉडी एलर्जी के एक्सपीरियंस है तो आपको रेसेस भी बन सकते हैं और GI ब्लीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये खून को पतला करती है और उस वजह से GI ब्लीडिंग यानी कि हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में ब्लीडिंग हो सकता है, हमारे हाथों के अंदरूनी भाग पर ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। अगर इनमें से कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है तो आपको तुरंत ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए और अपनी डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर से लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।